दोस्तों नमस्कार, आज की इस नए वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि पेटीएम पेमेंट बैंक ओपन कैसे किया जाता है। आज की इस वीडियो में हम आपको कंप्लीट प्रोसेस बताने वाले हैं। तो दोस्तों सबसे पहले जान लीजिए, पेटीएम पेमेंट बैंक जो है आपका जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट ओपन होगा और यहां पे तुरंत आपको वीडियो केवाईसी हो जाएगा इंस्टेंट। कहीं आपको जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको वीडियो केवाईसी इंस्टेंट अभी तुरंत ओपन हो जाएगा और प्लस में आपको एक डेबिट कार्ड भी आपको दे दिया जाएगा वर्चुअल के रूप में। इस अकाउंट को यूज करने के लिए आप भीम UPI भी यूज कर सकते हैं, चाहे किसी भी एप्लीकेशन में हो, चाहे फोन पे या गूगल पे में हो या पेटीएम में, आप भीम UPI से मनी ट्रांसफ़र कर सकते हैं पेटीएम पेमेंट बैंक ओपन करने के बाद। ये हम आइए पूरा प्रोसेस जानते हैं। तो सबसे पहले आपको पेटीएम पेमेंट बैंक ओपन करने के लिए पेटीएम एप्लीकेशन को ओपन करना है और ओपन करने के बाद यहाँ पर आपको होम पेज पर ही मिलेगा पेटीएम बैंक, तो यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप पेटीएम बैंक के ऊपर आप क्लिक करते हैं तो आपके सामने में देखिए कुछ इस तरह का इंटरफेस आता है। तो यहाँ पे आपको क्या सब बेनिफिट मिलेगा ये भी थोड़ा सा हम यहाँ पे बताते हैं। जैसा कि हम आपको बताएं, यहाँ पे जीरो बैलेंस अकाउंट ओपनिंग होगा, उसके बाद यहाँ पे जो भी आप मनी रखेंगे अपने अकाउंट में तो यहाँ पे 2.5% का आपको इंटरेस्ट दिया जाएगा। उसके बाद यहाँ पे अगर आप FD बनाते हैं तो यहाँ पे आपको लगभग 5% या 5.5% का इंटरेस्ट मिल जाएगा। इंस्टेंट बैंक ट्रांसफ़र आप कर सकते हैं किसी को भी। उसके बाद फ्री डिजिटल डेबिट कार्ड आपको यहां पे दिया जाएगा ऑल योर ऑनलाइन शॉपिंग के लिए, आप ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं। उसके बाद डेबिट कार्ड ATM कार्ड भी आप यहां पे रुपये प्लेटिनम का आपको मिल जाता है, तो इस तरह का आपको फीचर मिलेगा। चलिए हम यहाँ पर ओपन योर सेविंग अकाउंट पर हम क्लिक करेंगे। तो जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करते हैं आपको बोला जाएगा एक पासकोड बनाइए, तो यहाँ पर आपको एक पासकोड इंटर करना पड़ेगा। उसके बाद कन्फर्मेशन के लिए फिर से आपको पासकोड इंटर कर देना है और ऐसा करने के बाद आपके सामने में कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको लोकेशन, आपको यहाँ पे परमिशन देना है, तो यहाँ पे आप क्लिक करके दे देंगे। उसके बाद यहाँ पे आप ओके बटन पे क्लिक कर देंगे और ऐसा करने के बाद आपके सामने में फिर से कुछ इस तरह का इंटरफेस खुलेगा। तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, अगर आप नॉमिनी ऐड करना चाहते हैं तो नॉमिनी ऐड करना चाहते हैं तो I want to add a nominee पर क्लिक करेंगे, नहीं तो I will do it लेटर पे क्लिक करेंगे अगर आप नॉमिनी ऐड नहीं करना चाहते हैं। तो यहाँ पे दोनों बॉक्स पे आप इसको जो है क्लिक कर देंगे, उसके बाद प्रोसीड वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो चलिए हम यहाँ पे दोनों बॉक्स पे यहाँ पे क्लिक कर देते हैं, उसके बाद यहाँ पे प्रोसीड वाले ऑप्शन पे हम क्लिक करें। तो प्रोसीड वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद तो ऐसा कुछ इंटरफेस ओपन होगा। तो यहाँ पे अपग्रेड योर अकाउंट नाउ पे क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद आपको वीडियो केवाईसी करने के लिए नीचे में एक ऑप्शन दिया गया है, तो यहाँ पर आप क्लिक करेंगे आधार के जरिए। तो यहाँ पर आपको क्लिक करना पड़ेगा जहाँ पर सिम्बॉल बताया जा रहा है। तो यहाँ पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको आधार नंबर इंटर करना है और आधार में जो नाम है वो इंटर करना। तो यहाँ पे आप टर्म एंड कंडीशन एक्सेप्ट कर देंगे, एक्सेप्ट करने के बाद प्रोसीड वाले ऑप्शन पे आप क्लिक कर देंगे। आधार में जो रजिस्टर मोबाइल नंबर है उसमें एक OTP आएगा, OTP को यहाँ पे इंटर करेंगे और इंटर करने के बाद वेरीफाई हो जाएगा। तो यहाँ पर कुछ पर्सनल डिटेल मांगे जाते हैं जैसे मैरिड अनमैरिड और यहाँ पर आपका क्या प्रोफेशन है, जैसे कि यहाँ पे स्टूडेंट है या सैलरीड पर्सन है, जो भी है यहाँ पे दे दीजिएगा। उसके बाद एनुअल इनकम क्या है आप यहाँ पे दे सकते हैं जो भी आपका है। उसके बाद यहाँ पे आपको देखिए फादर नेम मदर नेम यहाँ पे आपको इंटर करना पड़ेगा और ऐसा करने के बाद आपके नीचे में देखिए, इसके बाद यहाँ पे देखिए आपको यस वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना और टर्म एंड कंडीशन एक्सेप्ट करके प्रोसीड वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। तो चलिए हम यहाँ पे प्रोसीड वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देते हैं और यहाँ पे ये बॉक्स को ज़रूर क्लिक करना है और ऐसा करने के बाद यहाँ पे आप परमिशन दे देंगे। परमिशन देने के बाद यहाँ पे आपका जो है लाइट होनी चाहिए, एक इंटरनेट कनेक्शन अच्छा होना चाहिए और यहाँ पे जो है आपका रेडी पैन कार्ड होना चाहिए। तो चलिए यहाँ पे सारे अगर आपके क्लियर हैं तो यहाँ पे सारे बॉक्स में आपको क्लिक करना है। तो मेरा पैन कार्ड रेडी है, क्लिक कर देते हैं। वाईफाई भी, नेट भी रेडी है और यहाँ पर आपको प्लेस अच्छे जगह यहाँ पे आपको रखना है। उसके बाद कंटिन्यू विथ वीडियो केवाईसी पे आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद स्टार्ट माय वीडियो वेरिफिकेशन पे क्लिक करेंगे और ऐसा करने के बाद आपके सामने में ये परमिशन मांगा जाएगा, तो परमिशन आप दे देंगे। और परमिशन देने के बाद यहाँ पे देखिए फिफ्थ है, तो जब तक यहाँ पे 1 नहीं हो जाता है
तब तक आप इस पेज पे बने रहेंगे क्योंकि यहाँ पे कनेक्टिंग होने में लगभग 10 मिनट का समय लगता है। तो इसी जगह आपका वीडियो केवाईसी हो जाएगा। वीडियो के जरिए आपको पैन कार्ड अपने सामने रखना है और जो भी पैन कार्ड का आपको मांगा जाएगा तो वो पैन कार्ड का डिटेल आपको देना पड़ेगा और आपका जो है थोड़ी सी लाइट ठीक ठाक होनी चाहिए और यहाँ पे जो है आपका डेट ऑफ बर्थ भी पूछा जाएगा। तो ये सब चीज़ें जो भी पूछा जाएगा पर्सनल डिटेल आप बता देंगे और बताने के बाद यहाँ पर आपका सबमिटेड वीडियो केवाईसी हो जाएगा। तो जैसे ही सबमिटेड केवाईसी हो जाएगा तो यहाँ पे 102 दिन के अंदर में आपका अकाउंट ओपनिंग हो जाएगा, यानी कि आपका अकाउंट नंबर आ जाएगा। तो अकाउंट नंबर कैसे आएगा तो आपके मैसेज में भी आ जाएगा। तो नहीं तो आपको जो है पेटीएम एप्लीकेशन ओपन करना है, फिर से वहाँ पे जैसे होम पेज पे आएंगे और यहाँ पे पेटीएम बैंक पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको ये जो है बता दिया जाएगा। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपका ये अकाउंट नंबर है, ये सब सारे डिटेल है और वहीं पे आपको वर्चुअल डेबिट कार्ड भी मिल जाएगा। तो यहाँ पे दोस्तों 1 से 2 दिन का समय लगता है अकाउंट ओपनिंग करने में। वेरिफिकेशन होने के बाद आपका अकाउंट नंबर आपको मोबाइल नंबर पे भेज दिया जाएगा, नहीं तो इस प्रोसेस से आप चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों इसी तरह से आप जो है पेटीएम पेमेंट बैंक में अकाउंट ओपन कर सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर इस चैनल पे आप नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि इसी तरह का लेटेस्ट जानकारी आपको सबसे पहले मिलता रहेगा। अगर कोई भी सवाल सुझाव है इस वीडियो के रिगार्डिंग तो आप हमें इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हैं और इंस्टाग्राम का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और डिस्प्ले पर भी शो हो रहा होगा।